नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरी आशा है आप लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे मेरे चैनल देसी घरेलू ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी और घरेलू जानकारी लेकर हाजिर हूँ तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको हेल्प करेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और नई नई जानकारी लेकर हाजिर हो सकें तो दोस्तों आज का जो विषय है मेरा वो है फंगल इन्फेक्शन दाँत खाद खुजली दोस्तों इस बेकार से इस प्रदूषित पर्यावरण में दांत खात खुजली होना बहुत ही आम बात हो गया है और दोस्तों जिसको खुजली होने लगती है वो कितना भी दवा कर ले ठीक नहीं होता जिसको दाद हो जाता है आप दो दो साल तीन तीन साल दवा खाते रहते हैं दवा लगाते रहते हैं लेकिन दाद खत्म नहीं होता तो दोस्तों आज मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ऐसी जानकारी दी जाए ताकि आप अपने दाद से खुजली से अगर परेशान हो तो मात्र चंद दिनों में आपको राहत मिल जाए आप ठीक हो जाएँ दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये है दोस्तों मदार का वृक्ष मदार का पेड़ दोस्तों मदार की झाड़ आप इसे कह लीजिए दोस्तों इसे हमारे यहाँ मदार और इसे हिंदी भाषा में आग का पौधा बोला जाता है और ये बहुत ही कारगर दबा होती है फंगल इन्फेक्शन दाँत खाद खुजली के लिए तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है अगर आप आपको भी दाद हो गया अगर आपको भी खुजली होती रहती है और आप दबा कर कर के थक गए हैं तो आप मेरे कहे अनुसार एक बार इसका, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और फ़ायदा आपकी आँखों के सामने होगा दोस्तों चलिए जानते हैं करना है क्या आप, आपको करना क्या है दोस्तों सबसे पहले आप मदार के पत्ते को तोड़ लीजिए दोस्तों मदार का पत्ता आप ऐसे तोड़ लीजिए तोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसको सिल बट्टे पर या इमाम दस्ते में मिक्सी में खूब बढ़िया से इसको बारीक सा पीस लीजिए पीसने के बाद आप इसको खूब बढ़िया से बारीक सा पेस्ट बनाएंगे पेस्ट बनाने के बाद आपको इसमें मदार के फूल दोस्तों मदार के फूल मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये है मदार का फूल दोस्तों आपको इसको तोड़ के इसका जो दूध निकलता है दोस्तों दिखाता हूँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों इसको तोड़िएगा तो इसमें से दूध निकलेगा ये देखिए दोस्तों इसी के दूध को मिला लेना है उसके बाद आपको जहाँ फंगल इन्फेक्शन जहाँ भी दाँत खाद खुजली है वहाँ पर लगा लेना है दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाएंगे इससे अच्छी दवा आपको कहीं नहीं मिल सकती दांत खाद खुजली के लिए अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें आप फ़ायदा अपने आँखों के सामने देख पाएंगे तो दोस्तों आयुर्वेद में हर तरह की बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है दोस्तों बस जानकारी की ज़रूरत है यही जानकारी दिलाने की कोशिश करता हूं मैं अपने चैनल देसी घरेलू ज्ञान में अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो ला सकें दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक केयर